शिवलीबाड़ी मध्य पंचायत के ग्रामीणों ने बिना सूचना के बिजली काटने के विरोध में मुखिया मनोरमा देवी के नेतृत्व में शनिवार की दोपहर कंचंडी स्थित झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड सहायक विद्युत कार्यालय का घेराव कर तालाबंदी कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने कार्यालय परिसर में जमकर हंगामा किया। बिजली बिल कनेक्शन काउंटर को बंद करवा दिया गया। मुखिया मनोरमा देवी ने कहा कि शुक्रवार को सहायक अभियंता के नेतृत्व में बिना सूचना के बिजली का लाइन काट दिया गया है, जिससे लगभग 600 घरों में बिजली आपूर्ति बंद हो चुकी है। इस भीषण गर्मी और कोरोना काल में इस तरह की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब तक शिवलीबाड़ी मध्य पंचायत में बिजली बहाल नहीं होगी, हम लोगों का घेराव जारी रहेगा। उसके बाद मुखिया के साथ आए ग्रामीण वापस हुए। अभियंता कार्यालय में लगभग ग्रामीणों ने 1 घंटे तक हंगामा मचाया। निरसा से स्वदेशवाणी के लिए अनुजीत सेन की रिपोर्ट। प्रॉब्लम बिजली वाला है, बिना सूचना का गए, लाइन काट दिए, किसी को कोई पता नहीं कि लाइन कट गया। लोग इंतजार करते रहे, लाइन क्यों नहीं आया। इसके लिए तो एक सूचना होना चाहिए ना, बाद में पता लगा कि ऊपर से आए, लाइन काट कर चले गए। अभी इसका क्या समाधान किया जाए? लोग तो मुखिया के पास आएंगे, पूरे जमघट हमारे पास, मजबूरन सारे लोग हमको लेकर यहाँ बिजली ऑफिस आया। बिजली ऑफिस का घेराव किए, तालाबंदी किए, सभी कोई हमारे साथ है, हम भी उनके साथ है। कहा कि बिजली का आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, सबको बिजली चाहिए तो चाहिए, किसी भी तरह इन लोग को बिजली अवेलेबल करवाइए। तो आप आए थे, करना है। एसडीओ साहब नहीं थे यहाँ पर? एसडीओ साहब नहीं, एसडीओ साहब का फोन नहीं लग रहा है। कल से हम लोग एसडीओ साहब को फोन लगाते लगाते परेशान है। कल से एसडीओ साहब का फोन नहीं लग रहा है, सिर्फ बीजी 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 ही बता रहा है उनका फोन। और एक ही नंबर हम लोग को दिया गया, कहा एसडीओ साहब के पास एक ही नंबर है। लोग शिवलीबाड़ी मध्य से आए थे, जो भी है लेडी मुखिया जो मनोरमा देवी हैं और भी जो पब्लिक लोग थे, इन लोगों का कहना था कि ये लोगों का बिना सूचना दिए बिजली काट दिया गया था, जिससे लोग बहुत परेशान हो रहे थे। इसी वजह से इन लोग यहाँ पे जो भी है धरना दे रहे थे, चाहे जाम किए हुए थे। इन लोगों को बातचीत करके इन लोगों को कहा गया कि एसडीओ सर जो है बिजली विभाग के, उनसे बातचीत करके इनका हल निकाला जाएगा। और एसडीओ सर भी बोले हैं कि सोमवार को इन लोगों को समय दे के वार्तालाप करेंगे, यही कहना और कुछ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।